feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Hey guys, आज हम आ चुके हैं AB's Absolute Barbecue और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक्सपीरियंस मेरा एब्सोल्यूट बारबेक्यू का। और मैं हूँ भावना और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ग्रूवी स्कूपी। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करने से पहले मैं आपको बोल देना चाहती हूँ कि यहाँ का जो एक्सपीरियंस है मेरा तो बहुत ही वंडरफुल है। मैं यहाँ पे चौथी बार आ चुकी हूँ और हर बार का मेरा एक्सपीरियंस कुछ अलग होता है। यहाँ की वेराइटी ऑफ फूड, यहाँ की टेस्ट और यहाँ का एम्बियंस मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और शेयर करिए। तो बात करते हैं हम यहाँ की वेराइटी ऑफ फूड की। यहाँ पे हमें मिल जाते हैं बहुत सारी वेराइटी, जिसमें हमें सूप मिल जाता है, चाट काउंटर, पास्ता काउंटर, डिप्स मिल जाते हैं तीन प्रकार के, और मेन कोर्स, वेजिटेरियन स्टार्टर। यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं, नॉन वेज का भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, वेजिटेरियन के लिए वेजिटेरियन का ऑप्शन अवेलेबल है। तो हम अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं हमें क्या खाना है। तो बहुत सी अच्छी वेराइटी हमें स्टार्टर में मिल जाती है, मेन कोर्स में भी हमें बहुत ज़्यादा वेराइटी मिल जाते हैं। मेन कोर्स की अगर बात करें, मेन कोर्स में हमें प्लेन राइस मिल जाता है, एबी स्पेशल दाल, दाल तड़का, वेज बिरयानी, कॉर्न पालक, वेज मंचूरियन, सिंगापुरियन नूडल्स मिल जाते हैं, बट मुझे ये टेस्टी नहीं लगे नूडल्स। और लोहारी कोफ्ता करी मिल जाती है, पनीर मेथी चमन मिल जाता है, वेज मिक्स वेज मिल जाता है, और बहुत ही अच्छी राजमा की सब्जी मिल जाती है। इस बार मुझे राजमा की सब्जी बहुत ही अच्छी लगी और सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आता है यहाँ का स्टार्टर। बहुत ही अच्छे सर्व किए जाते हैं और बहुत ही अच्छी सर्विस है यहाँ की। सूप भी बहुत ही टेस्टी था आज का। और यहाँ की स्पेशलिटी है यहाँ पे सेलिब्रेट होने वाले बर्थडे एंड एनिवर्सरी, जो अंकल का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन होता है, फैमिली के साथ आओ और बहुत ही अच्छा सेलिब्रेट करो। अगर आपको फैमिली के मतलब ज़्यादा लोगों का प्रोग्राम नहीं रखना है या फिर मिनिमम 10-12 लोगों के साथ एंजॉय करना है अपना बर्थडे एनिवर्सरी, तो आप बिल्कुल यहाँ पे आ सकते हैं, बहुत ही अच्छी प्लेस है। हम अभी वेट कर रहे हैं अपने स्टार्टर का, क्योंकि स्टार्टर आते ही हम शुरू हो जाते हैं। तो ये आ चुका है हमारा स्टार्टर। स्टार्टर में भी हमें बहुत ही अच्छी वेराइटी मिल जाती है, जैसे कि तंदूरी ग्रिल वेज, लेबनीज मशरूम, सोफियानी पनीर टिक्का, चटपटा ट्रायंगल, अमेरिकन चीज़ पोटैटो, पाइनएप्पल, वाटरमेलन और मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट क्रिस्पी कॉर्न। और यहाँ पे स्टार्टर गर्मा गर्म खाने की जो स्पेशलिटी है ना, वो बहुत ही अच्छी है। मतलब आपको गर्मा गर्म खाने को मिलता है स्टार्टर यहाँ पे, आपके लिए ग्रिल लग जाती है टेबल पे ही और आपको यहाँ पे ग्रिल करने को मिल जाता है। जैसे जैसे लगता है आपको उस हिसाब से आप यहाँ से निकाल के ले सकते हैं प्लेट में और खा सकते हैं। बहुत ही इंजॉयबल मोमेंट होता है, जैसे कि हम घर पे अपने हाथ से खाना खा के खुद पका के फिर खाते हैं, उसकी अलग ही मज़ा होती है। वैसे ही यहाँ पे इसको ग्रिल करके खुद हाथों से निकाल के खाने में कुछ अलग ही मज़ा होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें डिप्स भी तीन प्रकार के मिल जाते हैं, मिंट चटनी गार्लिक में हो और मैंगो चिली का। और मेरा सबसे ज़्यादा स्टार्टर में फेवरेट है पाइनएप्पल, जूसी और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका, और वाटरमेलन का भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। पनीर टिक्का तो हम हमेशा खाते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल जो है यहाँ पे खाने को मिलता है वो है पाइनएप्पल, वाटरमेलन, क्रिस्पी कॉर्न और मशरूम, जो कि बहुत ही टेस्टी रहता है और बहुत ही अच्छी टेस्ट है यहाँ की, स्पेशली स्टार्टर की तो बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पे हमें पास्ता काउंटर भी मिल जाता है, जहाँ से हमने ऑर्डर कर दिया है पास्ता, एक वाइट सॉस पास्ता है और एक रेड सॉस पास्ता है। इन दोनों की टेस्ट भी बहुत ही सुपर है, बहुत ही अच्छी है और गर्मा गर्म खाने में तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। तो हम टेस्ट करते हैं अभी। पास्ता में भी हमें पेनी पास्ता वेराइटी भी मिल जाती है यहाँ पे, मतलब तीन प्रकार के पास्ता हमें मिल जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनाते हैं यहाँ पे पास्ता। ये है मेरा फेवरेट क्रिस्पी कॉर्न, इसे मैं दो बार, तीन बार,
मतलब आधा पेट तो मेरा क्रिस्पी कॉर्न से भर जाता है, बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं। जैसे लगता है कि पूरे मतलब पूरा खाना हम सिर्फ क्रिस्पी कॉर्न ही खाते रहे, मतलब कुछ अलग ही टेस्ट है उसकी। और मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है स्वीट, जो कि मैं अब ले रही हूँ। और स्वीट में हमें मिल जाते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन, जिसमें अंगूरी गुलाब जामुन, मूंग दाल का हलवा, लाइव जलेबी मिल जाती है, हॉट ब्राउनी, फ्रूट केक, कस्टर्ड पुडिंग, ए बी चॉकलेट सेलिब्रेशन पेस्ट्री मिल जाती है, असॉर्टेड फ्रेश फ्रूट्स मिल जाते हैं, और ए बीस का स्पेशल पांच शॉट आइसक्रीम जो मैं आपको बाद में दिखाने वाली हूँ। पहले हम स्वीट कलेक्ट कर लेते हैं और स्वीट को टेस्ट करते हैं। अभी मेरा मेन कोर्स बाकी है, सबसे पहले मैंने स्टार्टर टेस्ट किए। स्टार्टर खाने के बाद हम स्वीट काउंटर पे आए, स्वीट ले रहे हैं, और स्वीट टेस्ट करने के बाद स्वीट से अगर पेट भर जाता है तो फिर थोड़ी बहुत जो जगह रहती है उसमें हम मेन कोर्स स्टार्ट करेंगे और मेन कोर्स को टेस्ट करेंगे। तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैं स्वीट की प्लेट में कितनी वेराइटी है। देखिए बहुत सी वेराइटी ऑफ स्वीट्स मिल जाते हैं हमें यहाँ पे। अंगूरी गुलाब जामुन तो बहुत ही टेस्टी है, बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं मुझे। देखिए आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मैं ले आई हूँ, और अब हम इसे टेस्ट करेंगे। मैं स्पेशली स्वीट बहुत ज़्यादा खाती हूँ, आप भी अपनी मनपसंद स्वीट्स मेरे साथ बिल्कुल शेयर करें। कमेंट में मुझे बताएं कि आपको कौन सा स्वीट पसंद है और आप भी स्वीट पसंद करते हैं मेरी तरह। तो हम अब मेन कोर्स की तरफ जाएंगे। स्वीट हो गया, स्टार्टर हो गया, पास्ता हो गया, हमारा चाट काउंटर बैलेंस है और अभी मेन कोर्स बैलेंस है। सबसे पहले हम मेन कोर्स ले लेते हैं थोड़ा थोड़ा, क्योंकि आपको दिखाना है मेन कोर्स में क्या क्या है। तो मेन कोर्स में हमें बहुत सी वैरायटी मिल जाती है, जैसे अभी मैं मंचूरियन ले रही हूँ, मंचूरियन, और जो उधर की तरफ है वो है नूडल्स। नूडल्स की टेस्ट मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, जो भी मेरा मतलब एक्सपीरियंस है, मैं एक्चुअल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। नूडल्स मुझे अच्छे नहीं लगे। यहाँ पे हमें राइस, प्लेन राइस भी मिल जाता है और वेज बिरयानी भी मिल जाती है, दाल तड़का मिल जाता है और एबीस की स्पेशल दाल मिल जाती है। अभी मैं थोड़ा सा मलाई पनीर ले रही हूँ टेस्ट करने के लिए कि किस तरह की टेस्ट है। तो और ये है सेकंड वाला वेज कोफ्ता, यहाँ पे कोफ्ता गायब है तो हमने बता दिया है इनको कि कोफ्ता फिल करे, तो ये अभी यहाँ से कोफ्ता फिल कर देंगे इसमें। और ये है पालक कॉर्न, पालक कॉर्न भी बहुत ही टेस्टी है, पालक कॉर्न। और फिर तो उसके साइड में है हमारा वेज, मिक्स वेज, राजमा की सब्जी। इस बार मुझे राजमा की सब्जी बहुत ही अच्छी लगी, राजमा बहुत ही अच्छे बने थे, तो मैंने स्पेशली राजमा की सब्जी टेस्ट करी है, बहुत ही अच्छी लगी। थोड़ा थोड़ा ही लिया है बट पेट में जगह नहीं है तो ज़्यादा खा भी नहीं सकते। और मेरा मानना है कि जितना हमें लगता है उतना ही हमें प्लेट में लेना चाहिए, हमें खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और हमने थोड़े से पापड़ ले लिए हैं, और यहाँ पे आपको सलाद वैरायटी मिल जाती है, दही वड़ा भी है यहाँ पे, तो दही वड़ा भी मैंने ले लिया है थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए, क्योंकि मेरा फेवरेट है दही वड़ा और मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा खट्टा मीठा अगर खाने में हो तो टेस्ट आ जाती है। तो हमने सब कुछ थोड़ा थोड़ा ले लिया है बिल्कुल टेस्ट करने के हिसाब से, क्योंकि अभी पेट में बिल्कुल जगह नहीं है, लेकिन टेस्ट तो करना है थोड़ा थोड़ा सब कुछ। आप देख सकते हैं टेबल पे है हमारे दही पूरी जो हमने चाट में मंगाई है और बहुत ही टेस्टी है। और सबसे आखिर में हम टेस्ट करेंगे पान आइसक्रीम, यहाँ की स्पेशल आइसक्रीम जिसमें ओरिजिनल पान डालते हैं और ओरिजिनल पान मसाला डालते हैं, जिससे इसकी टेस्ट बिल्कुल ओरिजिनल आती है। और इसके साथ मैं गुलाब जामुन टेस्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो आप भी एब्सोल्यूट बारबेक्यू को एक बार ज़रूर चेकआउट करिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आपको वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं और एक अच्छे से वीडियो में।